आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज हम जानेंगे लिगामेंट इंजरी के बारे में। लिगामेंट हमारे हड्डियों के हर जॉइंट को स्प्रिंग या इलास्टिक की तरह एक जगह जकड़ कर रखता है, अपनी जगह से जॉइंट को हिलने नहीं देता है। इसके कारण हम आसानी से खेल और कूद सकते हैं। मगर किसी कारण इस पर झटके से कोई जोर पड़ गया या मोच आ गई तो ये लिगामेंट टूट सकती है। इसके कारण हमारा घुटना, कमर या कंधा अचानक से लॉक हो जाता है और दर्द होने लगता है। देखने में ऊपर से कुछ नजर नहीं आता है, इसलिए हम कोई क्रीम या तेल लगाकर मालिश करके उसे नजरअंदाज करते हैं या पेन किलर खाकर इस तकलीफ को और बढ़ा लेते हैं। हम इस दर्द को सह सकते हैं, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ महीने बाद ये दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तब तक लिगामेंट को काफी नुकसान पहुंचा होता है, फिर इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। इसलिए जॉइंट से संबंधित कोई भी तकलीफ हो तो जल्द किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह जरूर ले। यही बता रहे हैं आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर अक्षय मारावार। डॉक्टर अक्षय मारावार ये शहर के जाने माने MS ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। फिलहाल वे औरंगाबाद के अवधूत हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही 24 घंटे पहले लिगामेंट इंजरी से पीड़ित पेशेंट की सर्जरी हुई, उस पेशेंट ने अपना अनुभव हमसे साझा किया है। वीडियो पूरा देखें। डॉक्टर अक्षय मारावार सर यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लेकिन इन्होंने लिगामेंट पे काफ़ी महारत हासिल किए है और ये आर्थोस्कोपी सर्जन भी है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल होता है अपने पास एक्सीडेंट के बाद इंजरी जो होती है, लिगामेंट इंजरी। हम सब कंफ्यूज रहते हैं कि लिगामेंट किसे कहते हैं, हमें यही नहीं पता। इसी के बारे में हम डॉक्टर अक्षय मारावार सर से काफ़ी अच्छे से जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। सर का सवाल है या फिर कॉमन पब्लिक का सवाल है कि लिगामेंट चीज़ क्या रहती है। अपने ह्यूमन बॉडी में, अपने मानव शरीर में जितने भी जोड़ रहते हैं, कंधा बोलिए, एल्बो जॉइंट बोलिए, घुटना बोलिए या फिर कुला या हिप जॉइंट बोलिए, हर जॉइंट को दोनों हड्डी जोड़ने के लिए जो इलास्टिक जैसी चीज़ रहती है उसे लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट ये मेडिकल वर्ड रहने के वजह से लेमैन्स लैंग्वेज या कॉमन मैन के लैंग्वेज में उसको शीर बोलते हैं, नस बोलते हैं, स्नायु बंध बोलते हैं या फिर उसको बहुत सारे लोग कुर्चा भी बोलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा नी जॉइंट का ये मॉडल, जिसको अपनी थाई बोन या फीमर बोन, लेग बोन से जब जुड़ते हैं तब ये जो बड़े चीज़ रहते हैं इसको या जॉइंट के अंदर वाली चीज़ों को लिगामेंट बोलते हैं। ये लिगामेंट का फंक्शन रहता है कि जब एक हड्डी दूसरे हड्डी पे मुड़ती है तब उसको एक दूसरे पे स्टेबल रखे, एक दूसरे पे पकड़ के रखे, ता वो ऐसे तरह या इस तरह से आगे पीछे ना हो सके। इसलिए उसको लिगामेंट का फंक्शन किसी भी जोड़ में, जैसा यह घुटना है, किसी भी जोड़ में ये ज़रूरी है कि लिगामेंट एक हड्डी को दूसरे हड्डी पे सटकने नहीं देता है, दोनों हड्डियों को स्टेबली बांध के रखता है। इसलिए लिगामेंट अपने ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जब एक्सीडेंट होता है पेशेंट का, जब अपने पास पेशेंट आता है तो पेशेंट को बताया, डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं कि आपके लिगामेंट इंजरी हुई है और उसका अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऐसे टाइम में पेशेंट के रिश्तेदार और पेशेंट में संभ्रम होता है, अरे हमारे पेशेंट को तो कुछ भी नहीं हुआ है, मुक्का मार लगा है, कोई हड्डी नहीं टूटी है, कोई ज़ख्म नहीं हुई है, फिर ये ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो लिगामेंट इंजरी हुआ है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारे दर्शकों को बताइए, कन्फ्यूजन इनमें होता है कि लिगामेंट इंजरी क्या होती है। लिगामेंट इंजरी ये एक्सीडेंट के बाद भी हो सकती है या कोई स्पोर्ट्स खेलते वक्त भी हो सकती है, या फिर जिनका लिगामेंट बहुत कमज़ोर है तो उनको सीढ़ियाँ उतरते वक्त भी लिगामेंट टूट सकता है। लिगामेंट इंजरी ये तब इमरजेंसी कहलाई जाती है जब उसका अटैचमेंट एक जगह से निकल के जॉइंट के अंदर जाके लॉक हो जाता है। तो इस हालात में उस लिगामेंट को हम इमरजेंसी में जॉइंट को जगह पे नहीं बिठा सके तो अपना जॉइंट लॉक रहता है और पेशेंट उसका पैर सीधा या बेंड करना नहीं चाहता, तभी वक्त उसको इमरजेंसी सर्जरी कही जाती है। बाकी टाइम पे, मैक्सिमम टाइम पे लिगामेंट का सर्जरी एक प्लान्ड सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी रहता है जो
घुटने की सूजन या कंधे की सूजन कम होने के 4-6 हफ्ते बाद, महीने भर बाद या 2 महीने बाद भी कर सकते हैं। लिगामेंट एक्सीडेंट के वक्त इसीलिए टूट जाता है क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त अननोइंगली आपके पैर पे कोई ट्विस्टिंग फोर्स आ जाए या आपके कंधे के ऊपर कोई ट्विस्टिंग फोर्स आ जाए तो कट करके आवाज आता है और अपना जॉइंट वहाँ पर लॉक हो जाता है। इस हालात में उसको पहले सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको थोड़ा आइसिंग करने की ज़रूरत है, इमरजेंसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत है और उसको डायग्नोस करने के लिए एक्सरे में लिगामेंट नहीं दिखते साहब। एक्सरे में फ्रैक्चर दिखता है, हड्डियाँ दिखती है, लिगामेंट रहने का एक डाउट रहता है, लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए MRI नाम की जाँच आती है। वो MRI जॉइंट का करने के बाद अपना डाउट क्लियर हो जाता है कि लिगामेंट कितने डायरे से कितने परसेंटेज में डैमेज है और उसको इमरजेंसी ऑपरेशन लगेगा या कुछ दिन बाद करने की ज़रूरत पड़े। डॉक्टर, ये लिगामेंट इंजरी होने के बाद इसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है या फिर मेडिसिन से भी इसको प्रिकॉशनली लेकर इसको ठीक किया जाता है? हर लिगामेंट इंजरी को सर्जरी एक ही इलाज नहीं है। अगर लिगामेंट पूरी तरह टूटता है और वो पेशेंट को तकलीफ देता है, जैसे कंधा सटकना, अपना घुटना बार बार निकल जाना, चलते वक्त घुटना लॉक होना, तभी ऐसे लिगामेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है MRI में कंफर्म करने के बाद। बहुत बार MRI में ऐसी चीज़ों के लिगामेंट का पार्शियल इंजरी आती है जिनको फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस और कुछ पेन किलर मेडिसिन से हम अपने नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसलिए हर लिगामेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती है। मैं तो बोलना चाहूँगा कि 60-70% टाइम्स जो लिगामेंट आधे ही टूटे हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती, जो फिजियोथेरेपी से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर लिगामेंट, जैसा घुटने का मेन लिगामेंट एंटीरियर क्रूशिएट, अगर 100% टूटता है तो उसको 90% टाइम सर्जरी की ज़रूरत रहती है। उस सर्जरी को ऑर्थ्रोस्कोपी बोला जाता है, जिससे हम घुटने के अंदर या कोई भी जॉइंट के अंदर दूरबीन डाल के उसको लिगामेंट को जोड़ देते हैं और पेशेंट को या फिर स्पोर्ट्स पर्सन को जल्दी से जल्दी नॉर्मल लाइफ जीने का मौका देते हैं। ये लिगामेंट इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा करके होता है, इसका क्या कारण? कि मसल्स वीक होते हैं या फिर स्ट्रेस होने से होता है या फिर अनजाने में होता है? ये स्पोर्ट्स पर्सन्स में ज़्यादा क्यों होती है? स्पोर्ट्स मेडिसिन ही एक अलग साइंस है जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही बनाया गया है। हम यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन के इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अवेयरनेस लाने का कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में जो डिमांडिंग स्पोर्ट्स रहते हैं, जिसको हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बोलते हैं, जैसे क्रिकेट बोलिए, फुटबॉल बोलिए, जिसमें ज़्यादा यूज़ होता है लिगामेंट्स का, जैसे घुटनों का ज़्यादा यूज़ होता है बॉलर में, घुटनों के लिगामेंट्स का ज़्यादा यूज़ होता है फुटबॉलर में, किक मारने के वक्त एक स्पेसिफिक पोजिशन में जब घुटना लॉक रहता है और अननोइंगली या किक आड़ी टेढ़ी बैठने के वक्त अगर घुटना घूम जाता है, जिसको हम ट्विस्टिंग इंजरी बोलते हैं, तो घुटने के लिगामेंट टूट सकते हैं। बॉलिंग डालते वक्त शोल्डर जॉइंट में कहीं लिगामेंट अटका हुआ है और सडनली उसको थ्रो करते वक्त झटका बैठ गया तो भी लिगामेंट टूट सकता है। इसलिए ये चीज़ें स्पोर्ट्स पर्सन्स में ज़्यादा रहने की वजह से इसको स्पोर्ट्स इंजुरीज बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग गाड़ियों से गिरते हैं तब उनके फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ लोग सीढ़ियों से घिसर जाते हैं तब भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, फिर भी वह उस वक्त पे भी लिगामेंट इंजुरीज बहुत कॉमनली मिलती है। लेकिन 70-60% ऑफ केसेस लिगामेंट इंजरीज के स्पोर्ट्स में पाए जाते हैं, रिमेनिंग 30-40% नॉर्मल पब्लिक में भी होता है। तो हम दोनों चीज़ों का अलग अलग इंडिकेशन से इलाज करते हैं। काफ़ी हमारे दर्शकों को अच्छी मालूम दी है लिगामेंट्स के बारे में, जो उनका गैर समझ था वो काफ़ी मेरे हिसाब से दूर हो चुका है। लेकिन सर, एज अ लिगामेंट के जो अभी तक ऑपरेशंस किए या पेशेंट्स देखे अपने स्पोर्ट्स पर्सन में, अभी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अपने लिगामेंट्स में इंजरी ना हो या प्रिकॉशनली क्या आप टिप्स देना चाहेंगे सर? ये काफ़ी अहम सवाल है क्योंकि हर लोगों में ये डाउट रहता है कि हमारे लिगामेंट स्ट्रांग रहने चाहिए, हमारे मसल स्ट्रांग रहने चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली चीज़ पता नहीं रहती है। तो इसी चीज़ को हम हमारे लैंग्वेज में रिहैबिलिटेशन बोलते हैं या फिर उसको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी भी बोला जाता है या फिर नॉर्मल फिजियोथेरेपी भी। फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन का काम यह है कि आपके नॉर्मल लिगामेंट्स को स्ट्रेंथन किया जाए, हर एक पोजीशन में, हर एक कंडीशन में उसका यूज़ अच्छी तरह से होना चाहिए, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, उसको
उस काबिल बनाया जाए कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, तो उसी लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस रहते हैं, स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडिकेशंस ऑफ हर जॉइंट के अलग अलग एक्सरसाइजेस रहते हैं। जैसे आप मानिए कि थेरा बैंड एक्सरसाइजेस रहते हैं, जिसमें हम इलास्टिक स्ट्रेचिंग लिगामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए एक इलास्टिक को दोनों पैरों के बांध के उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेंथनिंग करने का काम करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हमारे यहाँ पे, जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे कोई भी, वो अच्छी तरह से स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार करते हैं और फिर उनको स्पोर्ट्स के लिए भेजते हैं। उसको हम वार्म अप एक्सरसाइजेस भी बोल सकते हैं, उसको हम रेगुलर एक्सरसाइजेस भी बोल सकते हैं। जैसे साइकिलिंग एक्सरसाइजेस से घुटने के मसल्स, घुटने के लिगामेंट स्ट्रांग होके घुटने अपने हमेशा के लिए अच्छा रहने के लिए काम करते हैं। इसलिए एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, इन चीज़ों से हम अपने नॉर्मल लिगामेंट्स को दुगुना तीन गुना स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मेरा एक्चुअल लिगामेंट का प्रॉब्लम, एक साल पहले, छः महीने, एक साल हो गया इसको, गाड़ी पे से जाते जाते गिर गया था, तो उस कारण हो गया था। पहले तो डॉग ऐसा उसका एक्सरे वगैरह करे तो उसमें समझ में नहीं आया, बट जैसे ही अपन खड़े रहे तो फोल्ड कर रहा था, तो हमने उस टाइम पे लिए उसको हल्के में थोड़ा सा, और दिन से दिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। अब हम भी डरे स्टार्ट में, फिर नहीं ऐसा वैसा, उसमें टाइम गया हमारा, पर बाद में अभी करने के बाद में कुछ भी नहीं। मैंने कल ही हमारी इंजुरी हुई, और विद इन हम कल तो रात में कुछ पेन भी नहीं हुआ, एकदम बढ़िया से इंजुरी सर ने एकदम बढ़िया से कर दिए, और इससे कोई भी तकलीफ नहीं है। मेन हमारा ACL का प्रॉब्लम आ गया था बीच में, और वो बटन कुछ डालना था, तो थोड़ी सी हमारे लेट के वजह से अंदर की गद्दी भी फट गई थी हमारे, थोड़ी सी अलगर्जीपन के वजह से। तो ये समय पर कर लेने से बहुत अच्छा रहेगा, जिसका भी प्रॉब्लम है इन्होंने समय पे करना, या ऐसा हमारे जैसा जो लेट हुआ थोड़ा बहुत, वो नहीं करके डरना नहीं, बिंदास कर लेने का। सर, जैसा अभी आप बताएं कि एक साल पहले आप गिरे थे गाड़ी पे, जब आपको अवेयरनेस नहीं था या मालूम नहीं थी, फिर कोई बताया कि आपका लिगामेंट इंजुरी हुई है, उस टाइम में आपका क्या मत था और आपके घर वालों क्या था? नहीं, मैंने बताया, घर पे तो बहुत पीछे लगते थे, पर मैं खिचली आंग पे होता है भाई, धीरे धीरे जान दो, पर वो बहुत सी बार ऐसे हो जाता है इमरजेंसी में, अभी ऐसे चीज़ हो जाती है। एक बार मैं मेरे बच्ची को साथ में लेके गया मार्केट में, पर अब सामने से कार आ रही थी और वो भाग गई, तो मेरे को भागते नहीं आया, पैर लॉक हो जाता था बिल्कुल। ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी इंसिडेंट्स कि वो ज़रूरी है अपने को, इमरजेंसी में कभी भी कुछ काम गिरता है तो वो उसमें हैगा ही नहीं करना चाहिए। सर, अभी एक साल में आपको ऐसा कौन सा इंसिडेंस याद है कि लिगामेंट की वजह से तुम्हारा मिस हो गया, जैसा अपने बच्ची का बताया? ये तो बहुत बड़ा है मेन, तो बच्ची का। अभी खड़ा रहने में तकलीफ होती थी या फिर चलने में या फिर भागने? नहीं, मेरे को चलने में और भागने में दोनों चीज़, अगर हम जब नॉर्मल में चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर जैसी थोड़ी स्पीड बढ़े तो कभी भी पैर लॉक हो जाना बिल्कुल, उसमें ये हो जाए, और भाग तो बिल्कुल नहीं सकते थे। कुछ नहीं है, वो बैठ जाते थे हम एक्चुअली थोड़ी देर, फिर सर के पास में भी दो तीन बार आ गया था, सर तो बाद में देखना छोड़ दिए थे, बोले तुम आते और जाते बाकी कुछ करते नहीं, बोले तो सर ने छोड़ ही दिया था बिल्कुल वो चीज़। वो मतलब अभी इस टाइम भी निटरली मैं लिखने को आया था, हमारे सर ने बिल्कुल लिया नहीं, वो बोले जान दो तुम कुछ करते नहीं जाते नहीं, हमारे सर इस टाइम फाइनल है बोल के। जी, काफ़ी अच्छी हमारे दर्शकों को आपने मालूम दिया, आपका अनुभव बताया, तो आप भी हमारे जो बाकी दर्शकों को ये बताइए, लिगामेंट इंजरी कितना डेंजरस हो सकता है? नहीं, बहुत ही है, लाइफ टाइम के लिए अपने लिए बहुत तकलीफ वाला काम है। जिन्होंने ये चीज़ को जितना जल्दी कर लिए वो तुरंत में बहुत अच्छा है। डरते हैं, हर कोई डरता है इंजरी के लिए, भाई आगे क्या होगा क्या नहीं। बहुत से डॉक्टर अलग अलग राय देते हैं, भाई ज़रूरत नहीं है, पर हम जितना उसमें टाइम डालते उतना अपने लिए तकलीफ है। अपनी एज बढ़ती जाती है, अपने लिए तो तकलीफदायक है, आगे एक एक चीज़ उसकी डैमेज होती जाती है। मिस्टर नीलेश कासलीवाल जी का ACL इंजुरी होके ऑलमोस्ट 6 महीना से 1 साल हो चुका था, वो एक्सीडेंटली 2-व्हीलर से गिर गए थे। उसके बाद उनको चलना आता था लेकिन दर्द रहता था, लेकिन काफ़ी बार पेशेंट लोग या फिर घर के लोग बोलते हैं कि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत बार गलती ये होती है कि वो अनडायग्नोस रह जाता है। ACL जब नी जॉइंट में नहीं रहता है तो मेन सपोर्ट नी जॉइंट का नहीं रहे तो मेनिस्कस नाम के जो दो कुर्चे रहते हैं उनको इंजरी होने लग जाती है। तो सर जी के साथ यही किस्सा हो गया कि 1 साल तक या फिर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले करने की वजह से उनका मेनिस्कस थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हो गया था और घुटना लॉक होना शुरू हो गया था। तो इनका नसीब अच्छा है और इन्होंने एटलीस्ट अभी ये डिसीजन ले लिया कि उनको मेनिस्कस को हम रिपेयर कर पाए,
अगर हम इससे ज़्यादा डिले करते थे तो मेनिस्कस को पूरा काटना पड़ता था, जिसको हम मेनिस्केक्टोमी बोलते हैं। ऐसे हालत में घुटना जल्दी ख़राब हो जाता है या फिर घुटना जल्दी झिझना शुरू हो जाता है, तो इनके केस में हम वो अवॉइड कर सके क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया और हमको उनको ACL और मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी एक साथ कर सके। नाउ इज़ रिकवरिंग वेल, कल ही उनका सर्जरी हुआ है, अभी उनका फिजियोथेरेपी स्टार्ट होके ही विल बी बैक टू नॉर्मल विद इन 2 to 3 weeks। सर, अभी जैसा भी आपने बताया, ये सर्जरी ऑर्थोस्कोपी से होती है, इसमें हार्डली 2 या 3 स्टिचेस रहते हैं, जैसे स्क्रू डालने के लिए या फिर लिगामेंट को बांधने के लिए, क्योंकि वही के टेंडन को निकाल के उसी को लिगामेंट बना के घुटने में फिक्स किया जाता है पिघलने वाले या एब्जॉर्बेबल स्क्रू के साथ। तो उसके वजह से अपना नया ACL रेडी हो जाता है जो घुटने को स्टेबिलिटी दे, और मेनिस्कस को एक धागे से बांधा जाता है जिसको मेनिस्कल रिपेयर बोलते हैं। उसके वजह से घुटने का लुब्रिकेशन और घुटने का स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है।